सुस्वागतम छात्राः। अद्य वयं षष्ठः पाठः आकारान्त स्त्रीलिंग संज्ञा एकवचन द्विवचन बहुवचन पाठं पठिष्यामः। एकवचन में कन्या का कन्या, द्विवचन में कन्ये, बहुवचन में कन्याः, कन्या कन्ये कन्याः, ऐसे ही माला माले माला। स्त्रीलिंग में सभी रूप एक जैसे चलेंगे। अजा अजे अजाः, इसके समझें इधर। स्त्रीलिंग का कारांत मूल शब्दों से स्त्रीलिंग एक वचन शब्द बनाने के लिए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लता एक वचन, लता शब्द रूप भी है, कोई परिवर्तन नहीं होता। द्विवचन में कलिका का कलिके, गायिका का गायिके, दो गायिकाएं, बाटिका का बहुवचन बाटिकाः, कई फुलवारियाँ, अजा का अजाह, कई बकरियाँ। छात्र और छात्रा जैसे अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के रूप एक समान होते हैं। जैसे छात्रः, छात्रा, छात्राः, शिष्य, शिष्या, शिष्याः, कोकिल, कोकिला, कोकिलाः। अब याद करें इसका एक वचन द्विवचन बहुवचन में इन शब्दों का रूप। आजा आजे आजाः, लता लते लताः, छात्रा छात्रे छात्राः, बालिका बालिके बालिकाः, शिक्षिका शिक्षिके शिक्षिकाः, महिला महिले महिलाः, कोकिला कोकिले कोकिलाः। अभ्यास पे आते हैं। पितरों के नाम संस्कृत में लिखें। ये भुजा है, भुजा। ये मुद्रिका है, अंगूठी, जिसको मुद्रिके, दो हैं तो द्विवचन मुद्रिके। तो बहुत सारी कलियां हैं तो कलिकाः, कलिका कलिके कलिकाः। नौका एक वचन, तुले दो वचन, महिला बहुवचन। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरें। कन्या कन्ये कन्याः, नौका नौके नौकाः, वीणा वीणे वीणाः, कोकिला कोकिले कोकिलाः, कलिका कलिके कलिकाः। दिए गए शब्दों के द्विवचन और बहुवचन रूप लिखें। शिष्या का द्विवचन बहुवचन, शिक्षा का शिक्षे शिष्याः, बालिका का बालिके बालिकाः, लेखिका का लेखिके लेखिकाः, पाचिका का पाचिके पाचिकाः, सुता का सुते सुताः। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। संस्कृत में लिखें। बहुत सारी अंगूठियाँ मुद्रिकाः, बहुवचन। दो कहानियाँ कथे, कथा कथे कथा तो कथे। कई माताएँ माता मातरो मातरः। दो औरतें महिला महिले महिले हो जाएगा द्विवचन। एक घोड़ी अश्वा, एक घोड़ी एक वचन। प्रश्न नंबर 5 पे आइए। शब्दों के अर्थ लिखें। शिष्य द्विवचन है तो दो शिष्याएँ, वाटिका एक वचन है तो उपवन, नासिका एक वचन है तो नाक, कलिके द्विवचन है तो दो कलियाँ, कक्षा बहुवचन है तो अनेक कक्षाएँ, भुजा बहुवचन है तो अनेक भुजाएँ। ऐसे प्रश्न नंबर 6 में आइए। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप उसी वचन में लिखें जो दिया गया है पुस्तक में। अश्वे का द्विवचन में रूप लिखना है, द्विवचन में अश्व का है ना, अश्वा अश्वे, तो यहाँ पर अश्व हो जाएगा। स्त्रीलिंग में अश्वा अश्वे अश्वाह, यहाँ पर बालिका बालका बालका। अध्यापिका का अध्यापिकाः, अध्यापिका का अध्यापिकाः, गायिका का गायिकाः, गायिकाः, छात्राः का छात्राः। निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन लिखें। सातवां प्रश्न। सुता लेखिका स्त्रीलिंग बहुवचन लिखा हुआ है आपके पुस्तक में। ऐसे सुता स्त्रीलिंग
एकवचन, लेखकाः पुल्लिंग बहुवचन, शिक्षिकाः स्त्रीलिंग बहुवचन, मूषिकौ स्त्रीलिंग द्विवचन, शिक्षकाः पुल्लिंग बहुवचन।